So once again, welcome to the live classes from Suraj School Balana. And this is your English language class offered by Excellent Department of English Language associated with Suraj School Balana. Okay. Yesterday we had started in our baby concept number first. Okay. As you know, baby program is only for baby students. You may say that first to fifth class students. Okay. And in it, the material which has been put according to their grades and according to their level. So yesterday we started how to demand. कल हमने सीखा था कि बेटा डिमांड कैसे करते हैं. ओके किसी चीज को अगर मांगना हो तो कैसे मांगना. ओके सो डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी थिंग फॉर द बेबीज. ओके और बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कम से कम उनको डिमांड करना आना चाहिए कि इंग्लिश में कैसे करें. ओके सो यस्टरडे इन बेबी कॉन्सेप्ट फर्स्ट वी स्टार्टेड. Okay, and in this first concept we learned how to demand. हमने सीखा था कि demand कैसे करें. Okay, so it is very easy. तो demand के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा कि मम्मा मुझे पराठा दे दीजिए. Okay, चपाती दे दीजिए. Okay, कार्ड चाहिए तो कार्ड के लिए बोलते हो कि मम्मा कार्ड दे दीजिए. Okay, या फिर कार्ड दे दो. Understood? So that shows us only your perfect speed to communicate only in Hindi. But as you know that all students are very smart, very brilliant, just they require to learn how to speak. सभी को आता है लेकिन थोड़ा सा ये बताना है कि बोलते कैसे हैं. Okay? So that is a part where you will learn how to speak exactly in second language or in a world class language. So बेटा demand के लिए कल मैंने आपको बताया था कि क्या यूज करते हैं. डिमांड मीन्स मांगना. ओके जब कोई चीज आप मांगते हो तो यहाँ पे हमने कीवर्ड बताया था बहुत ही सिंपल है. दैट इज क्या बताया था बेटा वी हैव टू यूज गिव. क्या यूज करते हैं गिव. ओके फॉर डिमांड. डिमांड के लिए क्या यूज करेंगे बेटा गिव. लाइक अगर आपको पेन चाहिए तो क्या बोलोगे गिव पेन. ओके पेंसिल अगर आपको चाहिए तो क्या बोलोगे गिव पेंसिल. होमवर्क अगर आपको चाहिए टीचर को बोलोगे कि गिव होमवर्क. ओके एंड एनी अदर थिंग इफ यू रिक्वायर. सो इफ यू हैव टू डिमांड इन इंग्लिश ऑब्वियसली यू विल यूज द सेम थिंग. आपको क्या यूज करना है गिव. ओके तो कल आपने सीखा था कि डिमांड कैसे करते हैं. लाइक बेटा इफ यू हैव टू ईट कुरकुरे देन यू वुड से this thing that give me kurkure. Okay? अगर आपको chips चाहिए तो बोलोगे कि give me chips. Okay? Understood? Like the same thing, you people eat chocolate also. खाते हो ना? कौन से chocolate खाते हो? Dairy Milk, Five Star, Crunch Munch और कौन सी होती है? Many आती है. So you eat chocolate, so you demand पापा बोलते हैं पापा chocolate दे दीजिए. No, that is not good thing. If you have to demand chocolate and if you require chocolate really, obviously if you try to demand English, आपको कोशिश करना है कि आप इंग्लिश में उस चीज के लिए डिमांड करें. Obviously you are going to get a very nice chocolate. Okay? अगर आप पापा को एक चॉकलेट के लिए बोलेंगे अगर आपने डिमांड किया है इंग्लिश में तो श्योरली आपको चॉकलेट मिलेगा. Understood? So just we must know how to demand. Okay? Other thing, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाते हो ना कभी पापा के साथ जाते हैं कभी मम्मा के साथ जाते हैं कभी अंकल के साथ जाते हैं तो मार्केट में आपको बहुत सी चीजें दिखती हैं. ओके यू विल गेट मेनी थिंग्स. ओके पिज्जा टाउन इज देयर वहां जाते हो आप लेकिन आपको पिज्जा नहीं खिलाते पापा क्योंकि आप स्मार्ट तरीके से डिमांड ही नहीं कर पाते उनसे. पापा को बोलते हो पापा पिज्जा खाऊंगा. ओके पिज्जा दे दीजिए. नो जस्ट यू मस्ट नो हाउ टू डिमांड इन इंग्लिश. वंस यू ट्राई एक बार आपको ट्राई करना है कि इंग्लिश में डिमांड कैसे करें. After that, you see, trust me, you will get to it. Okay? But first, you are required to learn how to demand in English. सबसे पहले आपको सीखना है कि demand कैसे करें. Okay? So now, let's move. As I told you yesterday, कल आपको बताया था कि अगर आपको chocolate demand करना है, या फिर candy demand करना है, या फिर आपको burger demand करना है, या फिर आपको pizza demand करना है, तो क्या बोलोगे? Give pizza. Understood? क्या बोलोगे? Give pizza. और किसके लिए कर रहे हो अगर आप खुद के लिए डिमांड कर रहे हो तो क्या बोलोगे बेटा ये भी बता देंगे आपको गिव मी गिव मी
में पिज्जा। और अब आपको यह भी बताना है कि आप डिमांड किससे कर रहे हो, भाई पापा हैं पास में तो ऑब्वियसली किससे करेंगे, पापा से करेंगे। गुड, वेरी नाइस। अब बोलना है पापा गिव मी पिज्जा। ओके चलो पिज्जा तो खा लिया है। नाउ समर सीजन है स्टार्टेड और छुट्टियां भी चल रही हैं, और छुट्टियों के बाद जैसे ही हम मार्केट जाएंगे तो क्या खाएंगे, राइट, आइसक्रीम खाएंगे ना। तो पापा से इंग्लिश में तब तक सीखना है कि डिमांड कैसे करेंगे। ऑब्वियसली इफ यू डिमांड इन इंग्लिश तो श्योरली आपको आइसक्रीम मिलेगा। ओके अंडरस्टूड। तो क्या बोलोगे पापा को अगर आइसक्रीम की डिमांड करना हो, पापा गिव मी आइसक्रीम। अंडरस्टूड। अलोंग विद इट अगर आपको और पोलाइटली डिमांड करना है तो उसका एक और सिंपल तरीका है बेटा, बहुत अच्छे से जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं, जो मैनर जिनके पास होते हैं वो रिक्वेस्ट से करते हैं। ओके बोलते हैं पापा प्लीज, क्या बोलते हैं पापा प्लीज गिव मी आइसक्रीम। अंडरस्टूड। यू विल गेट कैंडी अगर आपको चाहिए, ऐसे बोलना है, पोलाइटली बोलना है पापा प्लीज गिव मी कैंडी। ओके अगर आपको कैंडी भी नहीं चाहिए, पिज्जा भी नहीं चाहिए, आइसक्रीम भी नहीं चाहिए, आपको स्कूल में जाके खाना है तो पापा से क्या लेंगे, हम मनी ले लेंगे, लेकिन उसको भी ऐसे ही बोलना है। ओके क्या बोलोगे पापा प्लीज गिव मी कितने चाहिए, 5 रुपीज, नो 10 रुपीज, ओके पापा प्लीज गिव मी 10 रुपीज, यू विल गेट। अंडरस्टूड। सो दिस इज डिमांड फॉर योरसेल्फ। अभी आपने सीखा है कि खुद के लिए कैसे करेंगे डिमांड। नाउ वी विल लर्न हाउ टू डिमांड फॉर अदर्स। अभी हम सीखेंगे कि दूसरों के लिए डिमांड कैसे करते हैं। इट इज वेरी सिंपल बेटा। अभी आपने खुद के लिए कैसे किया था, मी। अंडरस्टूड। अब जैसे ही हमें दूसरों के लिए डिमांड करना है, अगर चुन्नू के लिए आपका छोटा भैया है ना, चुन्नू छोटे ब्रो के लिए अगर आपको योर यंगर ब्रदर इज देयर चुन्नू, सो इफ यू हैव टू डिमांड समथिंग फॉर योर यंगर ब्रदर, अगर आपको अपने छोटे भैया के लिए कुछ डिमांड करना है तो ऑब्वियसली आप मी यूज नहीं करोगे, मी करोगे तो यानी कि आप खुद के लिए डिमांड करोगे। ओके तो अभी हम सीखेंगे कि चुन्नू के लिए कुछ डिमांड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मुझे नोटबुक दे दीजिए, या फिर मुझे पेन दे दीजिए, या फिर मुझे रिमोट दे दीजिए। टीवी देखते हो ना, कार्टून देखते हो, छोटा भीम, डोरेमोन, ओके पोकेमोन। अगर आपको चैनल चेंज करना है तो आप डिमांड करते हो पापा से कि पापा मुझे रिमोट दे दो। तो कैसे कैसे करोगे, पापा प्लीज गिव मी रिमोट। ओके अभी आपने रिमोट डिमांड किया है, खुद से डिमांड किया है। ओके और अगर चुन्नू को दिलवाना है रिमोट, क्योंकि चुन्नू इज यंगर बॉय, छोटा बच्चा है, तो चुन्नू रो रहा है, और अगर हम चुन्नू को, यानी कि चुन्नू किसके लिए रो रहा है कि उसको रिमोट नहीं मिल रहा है, तो हम पापा को बोलेंगे कि पापा चुन्नू को रिमोट दे दीजिए। अंडरस्टूड। यानी कि हम किसके लिए डिमांड कर रहे हैं बेटा, चुन्नू के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो यानी कि यहां हम क्या लिखेंगे, जिसके लिए डिमांड कर रहे हैं, मी, यानी कि हम खुद के लिए कर रहे हैं। अंडरस्टूड। और अब हमें चुन्नू के लिए डिमांड करना है तो क्या रख देंगे, पापा गिव चुन्नू रिमोट। अंडरस्टूड। ब्रो के लिए करना है, ऑब्वियसली यू कैन राइट हियर ब्रो के लिए करना है आपको डिमांड, तो क्या बोलोगे पापा गिव ब्रो रिमोट। अंडरस्टूड। अभी चलते हैं भाई हम मार्केट में चलेंगे। अंडरस्टूड। अब मार्केट में चले पापा के साथ, जाते हो ना पापा के साथ स्कूटी पे जाते हैं, ओके पापा के साथ बाइक से जाते हैं, तो आप पापा के साथ मार्केट पहुंच गए, ओके और अभी आपको खाना है, क्या खाना है, लड्डू खाना है, खाते हो ना स्मॉल लड्डू, वेरी नाइस, गुड, इट्स अ वेरी स्वीट थिंग, और सभी बच्चे खाते हैं, हमारा दोनों भी खाते हैं, ओके तो आपको लड्डू खाना है तो डिमांड करेंगे, ऑब्वियसली बताया ना, अभी सबने बताया कैसे करोगे डिमांड लड्डू, पापा वेरी नाइस, पापा गिव मी लड्डू। चलो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि पापा से लड्डू डिमांड करेंगे, तो पापा प्लीज गिव मी लड्डू। अंडरस्टूड। अभी ब्रो के लिए लड्डू चाहिए, क्योंकि ब्रो भी खाते हैं, सिस के लिए लड्डू चाहिए, चुन्नू भी खाता है, गोलू भी खाता है,
मोलू भी खाता है, सभी खाते हैं लड्डू। तो अब हमारे साथ ड्रॉ भी जा रहा है मार्केट, लेकिन पापा ने क्या किया, एक लड्डू आपको दिला दिया। अब ब्रो देख रहे हैं कि ब्रो को लड्डू नहीं मिला, तो बेटा ब्रो के लिए भी लड्डू डिमांड करना आना चाहिए। तो कैसे करोगे? अब हम खुद के लिए नहीं करेंगे, अब हम ब्रो के लिए डिमांड करेंगे। तो क्या बोलोगे? पापा प्लीज गिव ब्रो लड्डू। एक बार फिर से बोलेंगे बेटा, पापा प्लीज गिव ब्रो लड्डू। गुड, वेरी नाइस। ऐसे अगर आपको बर्गर खाना हो तो खुद के लिए डिमांड करेंगे, अभी बताया था ना आपको। कैसे करेंगे? पापा गिव मी बर्गर। और अगर ब्रो के लिए डिमांड करना हो तो क्या बोलोगे? पापा गिव ब्रो बर्गर। अंडरस्टूड? ये हो गया खाने पीने की चीजें डिमांड कर लिया। अभी चलो थोड़ी देर के लिए हम खेलने चलते हैं। अंडरस्टूड? खेलते हो ना? क्या खेलते हो बेटा? कबड्डी खेलते हो? नो। क्रिकेट खेलते हो? वेरी नाइस। क्रिकेट भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, ओके? लेकिन अभी हम खेलेंगे क्रिकेट लाइक सचिन तेंदुलकर, ओके? वी विल हैव टू बिकम एमएस धोनी। अभी थोड़ी देर में एमएस धोनी बन जाएंगे। अंडरस्टूड? तो चलो अभी, अब क्रिकेट के लिए क्या क्या चाहिए हमें? वेरी नाइस, बैट भी चाहिए। और क्या चाहिए? बॉल भी चाहिए, ओके? और भी काफी चीजें होती हैं, विकेट भी होती है, स्टंप्स भी होती हैं, अंडरस्टूड? जैसा कल भी बताया था मैंने, और हेलमेट भी होता है, ग्लव्स भी होते हैं, और क्या क्या होता है? शूज भी पहनते हो ना, ऐसे थोड़े कि विदाउट शूज भी आप क्रिकेट खेलेंगे, अंडरस्टूड? स्टोन्स विल बी देयर इन ग्राउंड, ओके? और क्या होता है? दिस लाइक पैड्स आर ऑल्सो देयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर। जो भी हमें चाहिए वो हम डिमांड करेंगे इंग्लिश में करेंगे, अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हमें डिमांड करना है बैट, डिमांड करना है। एक बार करके दिखाएंगे। चलो, किसके पास है बैट? किसके पास है भाई? चलो मान लीजिए ब्रो के पास है बैट, तो ब्रो से बैट डिमांड करोगे तो कैसे करोगे बेटा? ब्रो गिव मी बैट। अंडरस्टूड? ब्रो गिव मी बैट। अंडरस्टूड? लाइक जेसस, क्योंकि ब्रो को थोड़ी आता है, ओनली यू आर लर्निंग। कौन सीख रहे हैं? आप ही सीख रहे हैं। तो ब्रो को नहीं आता है तो ब्रो से डिमांड करेंगे, ब्रो गिव मी बैट विद जेस्चर्स। हैंड्स का यूज करना है, बाय विच पीपल कैन अंडरस्टैंड, जो आपके सामने वो समझ सके कि आप उससे क्या डिमांड कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो बैट डिमांड करेंगे। ब्रो के पास नहीं है मान लीजिए, तो अभी अंकल के पास है, तो अंकल से कैसे डिमांड करेंगे एक बार करके दिखाएंगे। बोलना है बेटा, अंकल गिव मी, क्या डिमांड कर रहे हैं? बैट। वेरी नाइस, अंकल गिव मी बैट। चलो बैट डिमांड कर लिया है, ऐसे ही ब्रो के लिए करना है भी। आपको आपने बॉल ले ली है, बॉल कैसे डिमांड करेंगे? चलो आपने बैट ले लिया, अभी डिमांड किया था ब्रो से, अंकल से, अभी बॉल बाकी है कि अकेले बैट से क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो हमें बॉल भी चाहिए। तो बॉल चाहिए, बॉल है आंटी के पास है, क्योंकि आंटी ने छुपा के रख दी है, क्योंकि आप लोग धूप में खेलते हैं, इसीलिए अब हम इंग्लिश में खेल रहे हैं, तो आंटी से रिक्वेस्ट करेंगे, डिमांड करेंगे इंग्लिश में, तो आंटी हमें बॉल दे देंगे। अंडरस्टूड? तो आंटी से डिमांड करेंगे, तो कैसे करेंगे बेटा? आंटी गिव मी बॉल। चलो ये तो हो गया खुद के लिए। अब आपने तो बैट ले लिया, ऐसा थोड़ी कि बैट भी आप ही करेंगे और बॉल भी आप ही करेंगे, ओके? तो अब हम और डिमांड करेंगे गोलू के लिए। अंडरस्टूड? गोलू के लिए, क्योंकि गोलू बॉल करेगा, गोलू इज ऑल्सो योर टीम प्लेयर, तो गोलू के लिए हम और डिमांड करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा? अंकल सॉरी आंटी गिव गोलू बॉल। अंडरस्टूड? ऐसे डिमांड करना है फॉर अदर्स एंड फॉर आवरसेल्फ, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अंडरस्टूड? ओके, चलो आपने बॉल भी ले ली है, बैट भी ले लिया है, ओके? आपने बैट बॉल फ्रेंड्स को दे दिया, लेकिन फ्रेंड्स कंटिन्यू खेल रहे हैं, आपकी टर्न ही नहीं आई है, ओके? तो अभी आपको भी खेलना है, आपको भी अपनी टर्न लेनी है, अपना चांस लेना है। अंडरस्टूड? कि भी योर टीम इज गोइंग टू लूज द मैच, आपकी टीम अगर मान लीजिए मैच को हार रही है, ओके? तो अब हम दो, यू आर ए गुड प्लेयर, इसीलिए आप कुछ चांस लेना चाहेंगे, लेकिन यहां भी आपको डिमांड करना है इंग्लिश में। अंडरस्टूड? तो कैसे करोगे? फ्रेंड्स चांस की डिमांड करेंगे ना, फ्रेंड्स गिव मी चांस। अंडरस्टूड? दे विल गेट यू चांस, ओके? ऐसे ही अगर आपको अपनी टर्न की डिमांड करनी है, क्योंकि वो फ्रेंड्स खेल रहे हैं, आपको टर्न ही नहीं दे रहा है कोई, ओके? सो अपने टर्न की डिमांड के लिए कैसे बोलेंगे? फ्रेंड्स
give me turn. Understood? So like this, you have to demand everything in English. Understood? खुद के लिए डिमांड करेंगे तो वी हैव टू यूज गिव मी, और जब दूसरों के लिए डिमांड करेंगे तो हम दूसरों के लिए मी की जगह जो जिसके लिए डिमांड कर रहे हैं. अंडरस्टूड? अभी देखिए आपको कुछ चीजें और बता दूं. विच यू हैव टू डू एट योर होम, जो आपको घर पे करना है. बेटा यू टेक ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट करते हैं ना सभी, करते हैं ब्रेकफास्ट. अब ब्रेकफास्ट में हम क्या क्या खाते हैं, क्या क्या लेते हैं? इट इज वेरी सिंपल बेटा. ब्रेकफास्ट में हम काफी चीजें खाते हैं. ओके, लाइक कर्ड. और क्या होती है बेटा? कर्ड खाते हैं. और क्या खाते हैं? पराठा. अंडरस्टूड? और क्या होता है? मिल्क. और क्या लेते हैं?